बाइकिंग इज ए काइंड ऑफ पैशन। जो जब आप बाइक पे बैठते हैं तो आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना, जब आपकी कोई भी उम्र हो वो बड़ा हो जाता है, और बड़े से बड़ा शख्स, अच्छे से अच्छा राइडर बाइक पे बैठ के एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा हो जाता है। इसी तरह के दो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे आज हमारे हाले लाउंज में मौजूद हैं। बार बार क्या है कि आप एक गर्म पुरजोश आवाज़ सुन रहे हैं। वेलकम आदि, वेलकम मिस्टर मलिक। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मलिक। सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे, ये जो आपका बच्चा जो है अंदर, मतलब आपके अंदर का जो बच्चा है, ये शॉर्ट्स पहन के बाइक चलाता है सुना? मैं सर क्या कह सकते हैं, जो शॉर्ट्स में मतलब बाइक चलाने का हवा ज्यादा आती है, हवा बहुत आती है। हीट से भी आप पे फाइन हो गया सुना है सर, कल खाने पे लेके जा रहा हूँ मैं सबको। आदि आप, आई गॉट टू नो के आपने कभी बाइक नहीं चलाई थी। मैंने कभी ज़िंदगी में बाइक नहीं चलाई थी, और मैं आज की तारीख तक अभी हैवी बाइक, क्योंकि हार्ले तो आप आई हैं, खुद तो आप हैवी थे। हाँ, तो मैं 70 में बैठता था तो हैवी हो जाती थी। मैं कभी हैवी बाइक पे भी नहीं बैठा था, बैठा ही नहीं था, मतलब कोई सीन नहीं था मेरा, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इन टू कार्स एंड ऑल, तो मेरा बाइक से कोई लेना देना नहीं था। और फिर एकदम से बस कैसे, हाउ डिड इट हैपन? हुआ कुछ ऐसे कि फैसल कुरैशी साहब हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और मेरी जान के टुकड़े हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हुआ ऐसे, एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल, तो मैं पीछे बैठ गया उनके, और बिल्कुल बेदिली से ना जलील मुंह बना के आने का, चला यार मोटरसाइकिल तो दिखा दिया है, इतनी बड़ी गाड़ी है हमारे पास मोटरसाइकिल। वो चलना शुरू हुई तो हवा मुंह पे लगी और वो आवाज़ सुनी, और 15-20 लोग उस आवाज़ के बीच में मुझे लेके जा रहे हैं। तो 2 मिनट बाद मैं थोड़ा सेटल डाउन हुआ कि अच्छा ये मजाक नहीं है, ये कुछ हो रहा है भाई। उसके बाद जब हम राइड करके वापस आए तो कहते हैं उतरो, तो मैं यूँ बैठा हुआ था, कहते हैं उतरो, मैं कहा भाई नशे हो गए तुम पीछे बैठ के सिगरेट पीते, मैंने कहा नहीं सिगरेट वाले नशे नहीं हुए, ये क्या है। बस वहाँ से मैं उतरा, और मुझे याद है मेरे पास उस वक्त होती थी टोयोटा सलीका टर्बो चार्ज गाड़ी। 2 दिन के अंदर मैंने वो गाड़ी देखी, 2 दिन में। वो लड़का जो 8 महीने से मेरे कपड़े धो धो के मुझे कह रहा था गाड़ी भेज दो, मैंने 2 दिन में उसको भेज दी। मैंने कही लो उसने क्या हुआ, मैंने कहा गाड़ी, तो मैंने गाड़ी भेज दी। और उसके बाद मैं लगा रहा कि मुझे बाइक लेना है। अब उस वक्त हार्ले दिमाग में नहीं था, पर बाइक लेना ये गेम क्या है। एक मिल रही थी होंडा स्ट्रीट, उसके कागजात नहीं थे, वो मिस हो गई, फिर एक और देखी मिस हो गई, फिर फाइनली एक हार्ले का हमने किया। एंड ऑन द रिकॉर्ड मोहिब, इनको बाइक बिल्कुल नहीं चलानी आती, ना इन्होंने 70 चलाई ना 125 चलाई, कोई जिंदगी में कोई बाइक नहीं चलाई, कोई नहीं चलाई, फर्स्ट बाइक हार्ले, हार्ले खरीद ली, और आसिफ भाई से खरीदी। तो मुझे आज तक वो मोमेंट याद है, आसिफ भाई आया, गड़गड़ गड़गड़ खड़ी कर दी उन्होंने, तो मैंने कहा आसिफ भाई अंदर खड़ी कर दें, कहते हैं आप खुद कर लो, मैंने कहा आसिफ भाई अंदर खड़ी कर दो, कहते हैं तुम खुद कर लो, मैंने कहा यार बात ऐसी है कि ना चलानी नहीं आती, तो उनके नीचे से जमीन निकल, कहते हैं मैंने कहा चला दें, कहते तुमने हार्ले ले ली तुम्हें चलानी नहीं आती, मैं कहा नहीं अंदर खड़ी कर दें, तो उन्होंने अंदर खड़ी की। अब वो बाइक अंदर खड़ी हो गई, उसमें 1-2 चीज़ें मैंने चेंज करानी थी वो करा ली। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई जान इसको चलाएगा कौन। अब मैं कभी दानिश भाई को कह रहा हूँ आप चलाए ना चेक करें जरा, सही है? बोला सही है तू तो सही। फिर मैं खैर घर गया, मैंने यूट्यूब खोला, मैंने 5 दिन यूट्यूब पे हार्ले डेविडसन लिखने के बाद जितने लिंक आते ना उनको चार्ट लिया कि क्या है, कहाँ बनी थी पहली बार, कैसे चलती है, क्लच क्या होता है, तो बैलेंस क्या होता है, तो यूँ क्या होता है। और एक दिन सुबह 6 बजे मैं उठ के आया और मैं बैठ गया उसके ऊपर। अब बैठने तक तो बिल्कुल सुपर मैन वाली फीलिंग आ रही थी, बस वो वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई अब मैं राइडर हो गया हूँ, मैंने चार्ट लिया यूट्यूब। तो हमने बटन दबाया, उसे आवाज आई टी, और हमने सेल्फ मारा। जब सेल्फ मारा तो पता लगा भाई ये धर 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 हिलती है, सामने तो लगता ही नहीं है, चीखें निकल गई नीचे से ना, पतलून में से भाग रहे हैं लोग, स्टैंड ऊपर किया, स्टैंड नहीं किया, अच्छा भी नहीं वो वाइब्रेशन ही मेरे, मैंने बंद कर दी। मैंने कहा भाई तो इतनी हिलती है, मैंने दानिश भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई बहुत हिल रही है, मैंने कहा बेटा ये तो हिलती है। खैर वहाँ फिर एक दिन और लिया मैंने जाके, फिर मैंने यूट्यूब हिप्स किया, फिर मैंने स्टैंड हटाया। बट यू लर्न ऑन योर ओन, कोई बंदा नहीं आया, किसी ने सिखाई? नो नो नथिंग, यूट्यूब, क्योंकि गाड़ी चलानी आती है तो समझ आ गया कि क्लच ब्रेक चीज़ें वही हैं, साइकिल तो हाँ, तो बस फिर अल्लाह मियाँ का नाम लिया और ऐसा ऐसा क्लच छोड़ा 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 छोड़ा। और आप यकीन नहीं करें, पहली बार क्लच जब छोड़ा तो बाइक बंद नहीं हुआ, तो मुझे इतना साइंस पता था, वो मैं रोड पे लेके निकला, अब निकला सामने दीवार आ गई, अब इसको मोड़ना भी तो है चला तो लिए, तो मुझे मैंने यूँ ब्रेक मारी, मैंने कोई 17 मिनट लगा के न्यूट्रल की, क्योंकि हमें न्यूट्रल आती नहीं थी। अब हम लगे ना न्यूट्रल कहाँ गया, इधर ही है वो, जैसी लाइट जली हमने कहा आगे आगे, तो मैंने धक्का मार के ऐसे ऐसे यूँ करके टर्न की, बिल्कुल टर्न करके ऐसे रखी कि बिल्कुल सीधा जाए,
ये कहीं लेफ्ट राइट ना करनी पड़े। फिर मैं वहां से गया तो मैंने ये कोई 5-6 दिन प्रैक्टिस की। वाह यार। एंड देन आई गॉट द हैंग ऑफ इट, और द फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन द रोड, क्योंकि स्पोर्ट्स कार रखने की वजह ये थी कि यू यूज्ड टू गेट अटेंशन एंड ऑल ना, सब देखते थे आपको। तो जब मैं सिग्नल पे आके रुका, अलग बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है सर, सारे शौक तुम्हारे अटेंशन से शुरू हुए। सर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अटेंशन आई फेल्ट कि ओ जिंदगी तो ये है यार, मतलब अगर आपको टेंशन नहीं मिल रही तो आप कुत्ते हो गए ना फिर, कि आप दुनिया में आए काम वाम करके चले गए, आपको लोग जानते नहीं है भाई। तो जितना कायदे आजम तो नहीं बन सकते हम, वो तो सेठ लोग हैं। हमने बोला चलो इसी तरह सही। तो वो अटेंशन जब मिली देन आई फेल्ट कि ओ ये गेम है। फिर चलाना सीखा, टांगे कांपना बंद हुई, हाथ कांपना बंद हुए, और बस उस दिन के बाद से आई एम ऑन माई बाइक द होल टाइम। तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, तो मेरे कजन को मेरे साथ रहता था, उसको बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो हमने बोला चलो यार तेरे लिए बाइक लेने हम चले जाते हैं। ट्रेडिंग पोस्ट के ऊपर देखा, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिंग पोस्ट होता था, तो हम लोग बाइक लेने चले गए कुछ 65 किलोमीटर दूर ना गाड़ी के ऊपर। अच्छा अब वो वहाँ पे जो गोरा है उससे मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, बाइक की डील शुरू हुई $2,000 से, $1,000 पे चल रही है। हाल नहीं थी FZR 250 थी। मैं 6500 गली थी वो जगह, मैं 65 किलोमीटर से बाइक चलानी शुरू की। अच्छा लाइसेंस मेरे पास ऑस्ट्रेलियन नहीं, पाकिस्तानी लाइसेंस था लेकिन वो वैलिड था, वहाँ पे चला सकते थे आप उसके ऊपर। और बाइक का तकरीबन मैं 20 किलोमीटर चलाऊंगा तो मुझे कॉप ने रोक लिया। उसने रोका मुझे, मेरे पास आया, कहता है डोंट यू लव योरसेल्फ। मैंने बोला व्हाट हैपेंड, कहता है यू वेयरिंग थॉन्ग्स। मैंने बोला इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द थॉन्ग्स, कहता है नहीं यार तू अपने आप को बर्बाद कर लेगा, तू क्या कर रहा है। बिल्कुल टूटी हुई बाइक, और टूटी हुई बाइक इंडिकेटर लटक रहा है। तो मुझे कहता है मतलब तू बहुत गलत कर रहा है। अच्छा ये वहाँ के कॉप्स की आप ये भी देखें, वो बंदा मुझे 45 किलोमीटर तक पीछे मेरे चला, घर तक छोड़कर आया और हमें साथ में स्ट्रिक्टली बोल कर हमारे को आप थाने तक लेके जाते और मजे की बात है चाय पानी की भी बात की और स्ट्रिक्टली मुझे बोल के गया कि नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसे राइड नहीं करनी है, प्रॉपर तुम्हारे पास ही वाज मोर कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी रादर देन योर मींस के लिए ऐसे। और उसके बाद फिर मेरी यूनी थी वो बहुत दूर थी। दैट वाज योर फर्स्ट बाइक? दैट वाज माय कजन्स फर्स्ट बाइक, लेकिन हम दोनों घर में रहते थे तो हम लोग शेयर करते थे, मगर बचपन से चला रहे हैं। बचपन से चला रहे हैं। और मेरी अच्छी बात ये है कि मैंने 8 साल बाइक ऑस्ट्रेलिया में चलाई है, और वहाँ पे बाइकर को आपको मजे की आता हूँ, वहाँ पे बाइकर्स को पता क्या कहा जाता है, टेम्परेरी ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट। अच्छा। कहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ कम है, लाइफ स्पैन कम है उनका, वहाँ पे उनके लिए स्पेशल वो है स्लोगन। सो जिस स्पीड पे तुमने आधी बाइक चलाना शुरू की, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि इस पे वो थोड़े दिन में सीट पे खड़े होके। अच्छा नहीं वो वाला मुझे शौक नहीं है, असल में वो वाला शौक इसलिए नहीं है क्योंकि हार्ले पे जब आप बैठते हैं ना तो आपको एक बॉस वाली फीलिंग आती है, एक अपनी एक टॉर है ना। मैं मेरी अपनी डेफिनेशन ये है कि अ हैवी बाइक इज अ मैंस टॉय एंड अ हार्ले इज अ मैंस मशीन। ये जो लोहा है जब इस पे आप बैठते हैं तो बिकम वन, व्हेन यू बिकम वन एग्जैक्टली। आपको अपनी राइड में अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जब लंबी वाली राइड करेंगे जैसे आई हैव डन ग्वादर, आई हैव डन बिगर राइड्स, देन आपका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। व्हेन यू एंड योर बाइक बिकम वन एंड व्हेन यू, जैसे आपको पता है कि बड़े बाइक्स में लीन से टर्न की जाती है, हैंडल से टर्न की जाती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप व्हेन यू बिकम वन वो जो एक्सपीरियंस है ना, व्हेन यू मशीन एंड यू इज जस्ट वन यूनिट। बिल्कुल। फिर अभी जिस तरह हम उड़मारा गए थे तो मेरी तो मेरी बाइक का पोस्चर जो है ना उसमें बिल्कुल मेरे पैर यूं होते हैं क्योंकि वो किट ऐसी लगी हुई है उसमें सब कुछ है। तो उसमें देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मेरी टांगें ड्रेन हो गई थी बिल्कुल, कि मतलब आई जस्ट कुडंट, मतलब ऊपर से मैं बिल्कुल ठीक था, मेरी टांगें बिल्कुल सुन हो गई क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं 5 घंटे की राइड स्ट्रेट, बिल्कुल, और हम 100 माइल 80 माइल पे जा रहे हैं और बॉडी शेक आता है। आई स्टिल रिमेम्बर क्योंकि मैं अपनी गाड़ियों से भी बातें करता था, मेरा बचपन का मसला है, तो आई वॉज टॉकिंग टू माई बाइक के यार तूने साथ देना है मेरा बस। अब मुझे नहीं पता वो बाइक क्या करता है, लेकिन मैं उसको लगा हुआ कि तूने साथ देना है। जो बाइक है वो लड़का है या लड़की है? मेरा लड़का है, मेरा मेरे बाइक का नाम है बेबी मॉन्स्टर। आपकी बाइक का नाम तो मैंने नहीं रखा। ब्रेकआउट इज अ मॉन्स्टर बाइक वजह
एंड आपकी काफी ग्लिटरी और शरीर वैसे है काफी खातून वाली आपकी खातून पिक्चर्स अभी हम शौक पता शेयर करेंगे इनकी आपकी ना बाइक देखी बिल्कुल बिल्कुल मैंने झिलमिल ऐसा लगता है नेल पॉलिश वगैरह लगी लगी माहौल तो नाम तो बनता है वैसे नाम ऐसा बनता है लेकिन जब फील आएगा तब नाम ये तो आपकी मर्जी पे आप क्या नाम रखिए उसका अच्छा यू हैव आल्सो रिसेंटली फ्रॉम दैट बाइक शिफ्टेड टू अनदर बाइक बिल्कुल व्हिच इज सर बाइक चलाने से पहले मैंने हार्ले का कल्चर सीखा मैंने फॉर्मेशन सीखी मैंने साइन लैंग्वेज सीखी बिल्कुल मतलब मुझे सारी आती है मतलब अब तो स्काला भी आ गया है मतलब लेकिन सर साइन लैंग्वेज एक अपनी हम लोग जिस तरह द आयरन ब्रदरहुड जब राइड करता है तो हम स्काला के साथ हमने मैंडेटरी रखा हुआ है कि आप हैंड सिग्नल यूज़ करें तो पहले मैंने हैंड सिग्नल यूज सीखे सारे बैठ के फिर मैंने फॉर्मेशन सीखी फिर मैंने सारे रोल सीखे आई लव बीइंग द मार्शल तो मैंने देखा कि मार्शलिंग पूरी दुनिया में कैसे कैसे होती है तो ये कल्चर पहले काम होता है मार्शल का क्या काम होता है गनर क्या है कैप्टन क्या है बिल्कुल तो वो पहले सीखा उसके बाद जाके मैं इन चीज़ों पे आया था कि क्लच ब्रेक हैंडलिंग क्या तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस बाइक चलाना सीखी आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड या दिस कम्युनिटी हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी हो गई और माशाल्लाह माशाल्लाह और हम सब बिकॉज ऑफ द बाइकिंग कल्चर हम एक दूसरे से ज्यादा मिलने सर माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं जिनको मैं ऐसी जिंदगी में मुंह ना लगाऊं लेकिन हार्ले की वजह से हम दोस्त हैं मैं कभी देख रहा हूँ मेरे दोस्त हैं मैं कहता यार चलो भाई हार्ले की वजह से लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी बन गई है अगर आप बाहर देखें तो माशाल्लाह अगर इनके इनमें से एक दो के पास बाइक ना हो तो इनको गली में ना घुसने दें हार्ले की वजह से हमें अच्छा लगता है अभी तो वो बन गई कम्युनिटी बड़ा अच्छा लगता है लोग आपस में बहुत पॉजिटिव एक चीज है और इस तरह आप अपनी बाइक पे कितने टाइम से टिके हुए जब से इन्होंने चड्डे पहनना शुरू किया ये चड्डे में चल रहा है लड़का इसने नहीं पहनना कुछ घर से बाहर निकला 5 मिनट के लिए और पीछे एक बंदा घूम रहा है वीडियो बना के चला गया वीडियो बना के चला गया और थोड़ी देर में इतने मैसेजेस चल रहे हैं चल क्या रहा है ये तो मेरे खिलाफ ही चल रहा है मुझको पता ही नहीं है लेकिन रिपोर्टिंग हो चुकी थी रिपोर्टिंग में लेकिन देखें अच्छी बात है एक दूसरे का ख्याल रखना जिसरा हमारे जो ग्रुप्स है मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जरा आज मैंने रैंडमली एक वॉइस नोट भेजा कि सब एवेन्यू पे एक नया स्पीड ब्रेकर बन गया जिसपे कलर नहीं हुआ हुआ और उन्होंने बना दिया तो प्लीज बी केयरफुल तो बड़ा अच्छा लगता है दूसरा ख्याल देखें किसी का किसी के मरने या जख्मी होने से कोई लेना देना नहीं है ना कोई नुकसान है लेकिन ये द रियल ब्रदरहुड इज दिस टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी अराउंड जिसमें हम लोगों ने अंदरूनी जुर्माने बनाए हुए कि जी आप पकड़े गए तो जुर्माना सेकंडली मैंने देखा है कभी कभार क्योंकि गॉड फॉरबिड कभी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भी हो जाता है जो कॉल टाइम होता है ना रिएक्शन टाइम दूसरे लोगों का कि मैं यहाँ हूँ क्लोजेस्ट हूँ पहुंच रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल 10 लोग पहुंचे हुए होते हैं इट्स सो इंस्टेंट माशाल्लाह एंड दैट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि अगर आपके पास छोटा बाइक है या बड़ा बाइक है ना 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 हार्ले का टैग है तो यू आर देयर एवरीबॉडी इज देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट लॉन्ग एज यू हैव अ हार्ले हाँ अब ये नो 70 पे लोग हार्ले का टैग लगा दूसरी कोई बाइक लेके आप हार्ले ग्रुप में सर मैं तो मोन लगाता कितने ऐसा हो गया ये आपके ब्रेकआउट को ब्रेकआउट को मेरे पास तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए 10 महीने हो गए इसका मतलब चेंज ओवर का टाइम आ रहा है चेंज ओवर का आ गया रोड किंग एक आ रही है उसके ऊपर अच्छा जमी हुई है के अच्छा कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग आपके फैसल कुरैशी भाई वो मशहूर हैं बाइक चेंज करने के ये कीड़ा वो चलाते इतने नहीं है वो बदल लेते हैं बदल लेते हैं नहीं ये माशाल्लाह तकरीबन सब में ये वाला कीड़ा होता है कि बस हर थोड़े दिन बाद जो होता है ना क्या अब क्या करना है ये तो हो गई अब क्या करना है हाँ बट इट्स अ थेरेपी इट्स अ पॉजिटिव एक्टिविटी इसमें कम्युनिटी का इंटरेक्शन है इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं मोर देन बाइकिंग आई कॉल दिस अ मेडिटेशन मैं सुबह एक मॉर्निंग शो करता हूँ एक अदर उसके बाद मैं शूट पे जाता हूँ जहाँ से मैं 11 बजे आता हूँ घर आता हूँ बूट बदलता हूँ हेलमेट पहनता हूँ ग्लव्स जैकेट पहनता हूँ और मैं बाइक पे राइड तो होता हूँ रोज तो आई कॉल दिस अ मेडिटेशन मतलब व्हेन आई कम बैक होम आई एम नॉट टायर्ड आई फील फ्रेश आप बिल्कुल आपको ये इतनी बड़ी जो मशीन है ये मुसीबत नहीं है ये मुसीबत उसे निकालने के लिए बनाई गई है आप इट्स शोगल इट्स हार्ले लाउंज यू मोस्ट वेलकम आप आएँ बाइक्स की बातें करें बाइक्स देखें बाइक्स राइड करें आई होप दिस
दिस कम्युनिटी कीप्स ऑन ग्रोइंग और वी वर्क इन द सेम फील्ड मगर हमारी आज मेरे ख्याल से पहले बैठे आज पहली दफा बिकॉज ऑफ हाल ने बात हो रही है इस तरह एंड आई होप कि ये इंशाल्लाह 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 ओके गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर प्लीज छड्डे नहीं है अभी तो नहीं पहने नहीं चलो ओके बड़ी